हेलो गाइस, वेलकम टू टीवाईजे वर्ल्ड। रेडमी नोट 6 प्रो और रेडमी नोट 5 प्रो के बीच में हमने वाटर सर्वाइवल टेस्ट परफॉर्म किया था, जिसमें हमने प्रेशर पाइप का यूज करके दोनों ही मोबाइल पे कंटिन्यू पानी डाला था। तो यहाँ पे रेडमी नोट 5 प्रो ने तो सर्वाइव कर लिया था, लेकिन रेडमी नोट 6 प्रो ने सर्वाइव नहीं किया था, ये बंद हो गया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देख लीजिए। उसके बाद रेडमी नोट 6 प्रो ऑन नहीं हो रहा था बंद होने के बाद, जबकि रेडमी नोट 5 प्रो प्रॉपर वर्क कर रहा था। तो हमने यहाँ पे पॉसिबल वाटर को निकाला रेडमी नोट 6 प्रो से और इसे राइस बॉल यानी चावल के अंदर डाल दिया। कुछ लोग का क्वेश्चन ये था कि चावल के अंदर आपने डाला क्यों है। तो होता क्या है, जब मोबाइल आपका गीला हो जाता है या मोबाइल के अंदर किसी भी तरह का मॉइस्चर आ जाता है, तो आप उसे चावल के अंदर रख दीजिए। राइस है जो वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है अंदर के, उसके लिए उसे थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए आप 1 से 2 दिन तक उसे अंदर रख दीजिए। तो अगर आपका मोबाइल पानी में गिर जाता है या किसी भी तरह से भीग जाता है, तो आप मोबाइल को स्विच ऑफ कीजिए और उसे चावल के अंदर रख दीजिए 1 से 2 दिन तक। तो जितना पॉसिबल वाटर होगा, चावल उसे एब्जॉर्ब कर लेगा यानी खींच लेगा। इसलिए हमने Redmi Note 6 Pro को चावल के अंदर डाल के छोड़ दिया। तो राइस बॉल में डालने के बाद Redmi Note 6 Pro को हमने 24 आवर के बाद बाहर निकाल के देखा, तो अभी भी ये स्टार्ट नहीं हो रहा था। लेकिन इसके कैमरे के अंदर हमें पानी के कुछ पार्टिकल्स दिखाई देने लगे, यानी कि कैमरे तक पानी पहुंच चुका है Redmi Note 6 Pro में। तो हमने इसे फिर से चावल के अंदर डाल दिया और उसके अगले 24 घंटे के बाद निकाल के देखा, तो यहाँ पे पूरी तरह से पानी सूख चुका था, यानी कि जितना भी पानी था वो एब्जॉर्ब हो चुका था। फिर हमने Redmi Note 6 Pro को स्टार्ट करने की कोशिश करी तो ये स्टार्ट नहीं हुआ। फिर हमने इसे चार्ज पे लगा दिया, तो चार्ज पे लगाने से नोटिफिकेशन LED तो ब्लिंक हो रही थी, लेकिन ये भी थोड़ी देर ब्लिंक हुई फिर ऑफ हो गई। उसके बाद यहाँ पे बैटरी एम्प्टी का सिंबल आने लगा और थोड़ी देर बाद यहाँ पे चार्जिंग स्टार्ट हो गई। तो बैटरी को उठाने में Redmi Note 6 Pro को तो टाइम लगा, उसके बाद ये नॉर्मल स्पीड से चार्ज कर रहा था, जैसा कि Redmi Note 6 Pro न्यू कंडीशन में चार्ज करता है, यानी चार्जिंग स्पीड में कोई इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिला। इसके बाद हमने डिवाइस को ऑन कर लिया और यहाँ पे हम टेस्ट करने लगे। तो यहाँ पे टच प्रॉपर वर्क कर रहा था, किसी भी तरह से डिस्प्ले पे फ्लिकर्स नहीं आ रहे थे या फिर किसी भी तरह का वाटर मार्क नहीं आया, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि डिस्प्ले के अंदर पानी नहीं गया है। तो यहाँ पे हमने टेस्ट परफॉर्म Redmi Note 5 Pro के साथ किया है, क्योंकि Redmi Note 5 Pro पे भी हमने वाटर सर्वाइवल टेस्ट परफॉर्म किया था, जिसमें Redmi Note 5 Pro ने पूरी तरह सर्वाइव कर लिया, लेकिन Redmi Note 6 Pro यहाँ बंद हो गया था। लेकिन उसके 2 दिन बाद चावल में रखने से ये स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे दोनों ही प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। अगर हम यहाँ टच रिस्पॉन्स की बात करें तो टच रिस्पॉन्स में कोई डिले नहीं है, वैसे ही वर्क कर रहा है जैसा कि न्यू डिवाइस करता है। इसके बाद अगर हम यहाँ मल्टी टच की बात करें तो मल्टी टच प्रॉपर वर्क कर रहा है वाटर सर्वाइवल टेस्ट के बाद भी। यहाँ पे 10 फिंगर मल्टी टच आपको सपोर्ट मिल रहा है। के साथ साथ अगर हम यहाँ कैमरे की बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हमें ऐसा लगा कि बैटरी और कैमरे पे ही हुआ है, तो अगर हम यहाँ कैमरे की बात करें तो यहाँ पे कैमरा दोनों ही डिवाइस में प्रॉपर वर्क कर रहा था जैसा कि न्यू डिवाइस में करता है। तो आप देख सकते हैं हमें रियर कैमरे और फ्रंट कैमरे में किसी भी तरह का इशू नजर नहीं आया, यानी कि वाटर के पार्टिकल अंदर नहीं है, अब सूख चुका है मोबाइल, तो कैमरा प्रॉपर वर्क कर रहा है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनिंग स्पीड और फेस अनलॉक की बात करें, तो फिंगरप्रिंट स्कैनिंग स्पीड में हमें दोनों ही डिवाइस में किसी भी तरह का इम्पैक्ट नजर नहीं आया। आप देख सकते हैं Redmi Note 6 Pro हो या Redmi Note 5 Pro हो, फिंगरप्रिंट रिस्पॉन्सिव और फास्ट है जैसा कि आपको पहले मिल रहा था, यानी वाटर सर्वाइवल टेस्ट के पहले जैसा था वैसा ही है वाटर सर्वाइवल टेस्ट के बाद भी। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ फेस अनलॉक की बात करें तो फेस अनलॉक भी दोनों का प्रॉपर वर्क कर रहा है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे स्पीकर्स की बात करें और माइक की बात करें, क्योंकि वाटर यानी पानी मोबाइल पे जाने से सबसे पहले जो इम्पैक्ट होता है वो उसके स्पीकर्स पे होता है, बैटरी पे होता है और माइक पे होता है। तो M1 Poco F1 के बीच में कंप्लीट बैटरी ड्रेन टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि 100% बैटरी को हम कंप्लीट डिस्चार्ज करेंगे और यहाँ पे हम बैटरी डिस्चार्ज। हेलो गाइस, वेलकम टू टीवाईजे वर्ल्ड। आज हम यहाँ पे 7 डिफरेंट मोबाइल्स के बीच में एक्सट्रीम लेवल बैटरी ड्रेन और हीट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे अभी तक बैटरी तो प्रॉपर वर्क कर रही है। इसके साथ साथ जो स्पीकर्स हैं उनमें Redmi Note 5 Pro में टेस्ट के ड्यूरेशन किया था तो थोड़ा बहुत नॉइस आ रहा था, लेकिन जैसे ही पानी निकल गया तो वो नॉइस भी चली गई थी। लेकिन Redmi Note 6 Pro तो पूरी तरह बंद हो गया था, स्टार्ट होने के बाद स्पीकर्स प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, साउंड प्रॉपर आ रहा है, साउंड की क्वालिटी में किसी भी तरह से यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं आया है। और उसके अलावा हम यहाँ पे माइक की बात करें तो यहाँ पे माइक भी प्रॉपर वर्क कर रहा है, हमने यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्ड करके भी देखा है, तो दोनों में ही माइक प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं कि वाटर सर्वाइवल टेस्ट जो हमने परफॉर्म किया था, जिसमें Redmi Note 6 Pro पूरी तरह से बंद हो गया था, ये चालू हो चुका है एग्जैक्ट 2 दिन के बाद, हमने इसे राइस बॉल पे रखा था। अब हम यहाँ पे इसका माइक टेस्ट कर रहे हैं कि माइक वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ जब हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे तो हमने दोनों में ही जियो की सिम लगा दी थी और इंटरनेट कनेक्टिविटी कंटिन्यू ऑन रखी थी, क्योंकि ज्यादातर मोबाइल जब
पानी के अंदर जाते हैं तो उनमें सिम लगी होती है। तो हम ये देखना चाह रहे थे कहीं यहाँ पे सिम स्लॉट तो शॉर्ट नहीं हो गया, सिम स्लॉट तो खराब नहीं हो गया। तो यहाँ पे दोनों के सिम स्लॉट में किसी भी तरह का इम्पैक्ट नहीं आया, सिम प्रॉपर वर्क कर रही है, यानी कि सिम स्लॉट यहाँ प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, नेटवर्क प्रॉपर डिटेक्ट कर रहा है, नेटवर्क में किसी भी तरह का इश्यूज नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी वैसी है जैसी आपको पहले मिल रही थी, यानी कि सिम से रिलेटेड किसी भी तरह का यहाँ पे इशू हमें नजर नहीं आया। इसके अलावा अगर हम यहाँ डिस्प्ले की बात करें तो जब पानी के अंदर मोबाइल जाता है तो डिस्प्ले पे भी कुछ वाटर आ जाता है, यानी कि पानी आ जाते हैं, पानी के मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ Redmi Note 5 Pro, Redmi Note 6 Pro में, यानी डिस्प्ले पे किसी भी तरह का इम्पैक्ट नहीं आया है। और साथ में बैटरी बैकअप हमें प्रॉपर मिल रहा है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि पानी में जाने के बाद बैटरी बैकअप में इम्पैक्ट आया, तो बैटरी बैकअप में किसी भी तरह का इम्पैक्ट नहीं आया, चार्जिंग टाइम में किसी भी तरह का इम्पैक्ट नहीं आया, वो वैसे ही वर्क कर रहा है जैसा कि न्यू Redmi Note 6 Pro डिवाइस वर्क कर रहा था या फिर Redmi Note 5 Pro डिवाइस वर्क कर रहा था, यानी कि दोनों में ही बैटरी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में कोई इम्पैक्ट नहीं आया है। इसके अलावा अगर हम यहाँ इम्पैक्ट की बात करें तो Redmi Note 5 Pro में तो किसी भी तरह का इम्पैक्ट हमें नजर नहीं आया, लेकिन Redmi Note 6 Pro में हमें वॉल्यूम की पे इम्पैक्ट नजर आया। वाटर सर्वाइवल टेस्ट के बाद वैसे तो Redmi Note 6 Pro बंद हो गया था, लेकिन उसके दो दिन बाद चावल पे रखने से ये चालू हो गया, और यहाँ पे जो इम्पैक्ट आया वो वॉल्यूम की पे आया। वॉल्यूम की किसी भी तरह से वर्क नहीं कर रही है। हमने यहाँ पे डिवाइस को फैक्ट्री रीसेट भी करके देख लिया है तो ये वर्क नहीं कर रही, यानी कि सॉफ्टवेयर का इशू नहीं है। और साथ में हमने यहाँ पे हार्ड रीसेट करने की भी ट्राई करी, तो हार्ड रीसेट करने के लिए हमें वॉल्यूम की का यूज करना पड़ता है, और जब वॉल्यूम की वर्क नहीं कर रही तो हम हार्ड रीसेट भी नहीं कर पा रहे थे। यानी कि Redmi Note 6 Pro में जो इम्पैक्ट हुआ है वो वॉल्यूम की पे हुआ है। इसके साथ साथ अगर आपका मोबाइल वारंटी पे है और उसके अंदर पानी चला जाता है तो फिर वो वारंटी वॉइड हो जाती है, वहाँ जो अंदर सील रहती है उसका कलर चेंज हो जाता है और उसके बाद आपको वारंटी नहीं मिलेगी। लेकिन आप देख सकते हैं वाटर सर्वाइवल टेस्ट पे Redmi Note 5 Pro तो पूरी तरह सर्वाइव कर लिया, Redmi Note 6 Pro ने यहाँ पे 90% सर्वाइव किया है, लेकिन 10% का इम्पैक्ट आया उसके वॉल्यूम की पे, कुछ छोटा बहुत इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि Redmi Note 6 Pro ने भी यहाँ सर्वाइव कर लिया है वाटर सर्वाइवल टेस्ट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग TYJ World।